तो यहाँ से खारदुंगला है 39 किलोमीटर। इससे बढ़िया नज़ारा कुछ हो नहीं सकता। लद्दाख आने के पूरे पैसे वसूल हो गए। यार पता है इतना खुश क्यों हो? क्योंकि देखो कितना बर्फ है और मैं अभी हूँ माइटी खारदुंगला पे। यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है ना कि क्या बताऊँ। मतलब यही वो जगह था, यहाँ पे चाय पी रहा था मैं, यहाँ पे फूल खिले हुए थे। कोई बात नहीं, आप जो चीज़ें रह गई थी आज वो पूरी होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच जे ब्लॉग्स। अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा दूं कि ये वीडियो बेसिकली लद्दाख सीरीज़ की है, 5वीं वीडियो है शायद। तो आपने अगर पिछले 4 वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाओ चेक करो, बहुत ही ऑसम वीडियोज़ हैं, जाके देखो, फिर आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी कि क्या रह गया था क्या नहीं हुआ था। तो आज जिनको समझ आ रही है उनके लिए बता देता हूँ, आज हमारा यहाँ से जाने का प्लान है पहले परमिट ऑफिस। परमिट ऑफिस में जाके सारे परमिट्स लेंगे। सांसें चढ़ रही है क्योंकि हम हाई माउंटेन पासेस के पास हैं। केदारनाथ के बाद ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मेरी बाइक इतनी गंदी है। वैसे आज मैंने चेन लूप कर लिया है क्योंकि कल थोड़ी सी ऐसे साउंड सी आ रही थी, तो आज चेन लूप कर लिया। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, डीसी ऑफिस के लिए परमिट लेते हैं। परमिट हमने ऑनलाइन ले लिया है, वेरीफाई करवाना होगा, पेमेंट करनी होगी और फिर वहाँ से निकलेंगे खारदुंगला के लिए। पिछली बार हमने लेह में एक दिन स्टे किया था और स्टे करके हमने शांति स्तूपा देखा था, मैग्नेटिक हिल पिछली बार देख नहीं पाए थे, रात हो गया था, तो वो देखा था, निम्बू देखा था और हॉल ऑफ फेम देखा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ स्टे का सीन नहीं है। वैसे लोग कहते हैं कि अगर आप आते हो तो एक दिन अपने आप को रेस्ट दो बॉडी को अक्लमेटाइज होने के लिए। भैया परमिट के लिए किधर जाना पड़ता है? आइए डीसी ऑफिस। तो यार ये ऑनलाइन मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया, अब इसके पैसे सबमिट करने। सर पैसे इधर ही सबमिट करने हैं? इधर ही करना है। कितनी दूर जाके? ये वाला। तो यहाँ पे जाके पैसे सबमिट करना है, ये डीसी ऑफिस है। तो फिलहाल हमें परमिट मिल गई है, ये है सोमोरेरी है तांगलांगला पैंगोंग एंड नुब्रा वैली। तो अब यहाँ से निकलते हैं खारदुंगला के लिए। खारदुंगला नुब्रा के रास्ते में आएगा ना, चलते हैं फिर। इसका अगर आप आओ तो जेरोक्स करवा लेना, 3-3-3 फुल करना है। आप पेटीएम लेते हो ना? तो यहाँ से खारदुंगला है 39 किलोमीटर। तो पहले चलेंगे खारदुंगला, लेकिन उससे पहले यार भूख लगी है बहुत ज़ोरों की, तो कुछ खाना बनता है बॉस। और ये रास्ता खारदुंगला क्या यहीं से फिर ऑफ रोडिंग स्टार्ट है क्या? ये ले सिटी से स्टार्ट हुआ अपना रास्ता, सिटी के बीचों बीच रास्ता बना है लेकिन रोड नहीं बनाई है। मतलब खारदुंगला ने पूरी ऑफ रोडिंग की एक्सपीरियंस देनी है आज। एक ये दो, ये नुब्रा रोड है और यहाँ से भैया बता रहे कि यहाँ से आगे आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो हमने थोड़ा बिस्किट वगैरह और पानी वगैरह ले लिया यहाँ पे। आगे मैगी मिल सकता है। आगे मैगी मिल सकता है। यहाँ के रोड्स देखो यार कितने प्यारे हैं, लेकिन उतना ही ज्यादा खतरनाक है। ये है लद्दाख। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मुझे, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, उनको थैंक यू सो मच। आरसी एंड ड्राइविंग लाइसेंस आपको देखना है? ओके। नज़ारे दिखने शुरू हो गए मेरे भाई, लेकिन ज़्यादा लेफ्ट में नहीं देखना मेरे भाई। यहाँ से खारदुंगला है 34 किलोमीटर और साउथ पुल्लू है 20 किलोमीटर, जहाँ पे अपने को दिखाना होगा परमिट। यहाँ पे अभी लाइसेंस और आरसी चेक करा के, भाई तुम ही हो ना तो बाइक के ओनर, चलानी आती है ना, तो ये देख लो लद्दाख। बाकी रोड बहुत ही ज़्यादा छोटी सी है, मतलब चौड़ी नहीं है ज़्यादा। वहाँ से चले हम, वहाँ से फिर घूमते 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 अभी ऊपर आए हैं और मैं बहुत ही आराम से चल रहा हूँ क्योंकि रास्ता भी नया है मेरे लिए एंड थोड़ा डेंजरस भी है, तो बहुत ही आराम से चल रहा हूँ। आप भी आओ तो काफ़ी आराम से चलो, कोई हड़बड़ी नहीं है। थोड़ा लेट पहुँच जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, सेफ पहुँचोगे ये ज़रूरी है। खारदुंगला टॉप यहाँ से है 24 किलोमीटर और ये जो आप ऊपर वाला पहाड़ देख रहे हो, अब इसको क्रॉस करके आगे जाना है। रोड्स ऐसे हैं कि आप धीरे चलाओ तो बहुत मज़ा है, स्पीड में चलाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू।
खारदुंगला टॉप इज द वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड, तो विच मोस्ट प्रॉब्ली आई एम गोइंग टू कवर इट टुडे। अ बिट एक्साइटेड एंड अ बिट नर्वस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नज़ारे बदलते जा रहे हैं, बर्फ़ थोड़ी ज़्यादा ही पास हो रही है और ठंड भी थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ रही है, धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो ये जगह बेसिकली साउथ पुल्लू है और यहाँ पे अपने को चेक करवाना होता है जो भी हमने परमिट लिया है, एक कॉपी यहाँ पे सबमिट हो जाती है। और यहाँ पे देखो सियाचिन वॉरियर्स, मतलब सियाचिन का कोई बेस कैंप भी है। DL3S DZ 8917। हाँ जी, अब एक कॉपी यहाँ सबमिट हो गई, दूसरी कॉपी सबमिट होगी साउथ पुल्लू में। तो इससे पता चलेगा कि जो बंदा यार सांसें चढ़ने लग गया यार, तो इससे पता चलेगा जो बंदा यहाँ से गया है खारदुंगला देख के वो वापस भी नीचे गया है। साउथ पुल्लू तक ऐसा था कि जो रोड्स थे वो काफ़ी छोटे थे, इनफैक्ट ये जो रोड है इसके आधे थे रोड। अभी थोड़ा सा रोड सही हुआ है, अभी पता नहीं कितना दूर तक ये रोड सही रहेंगे, पर साउथ पुल्लू तक भाई रोड बहुत छोटे हैं, बहुत ही इसके बस समझ लो आधे हैं, तो काफ़ी संभल के चलाना पड़ा। आज का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि कल तांगलांगला और खारदुंगला बंद था क्योंकि हैवी स्नोफॉल था, तो आज थोड़ा स्नोफॉल मिलेगा, मतलब स्नो भी मिलेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे स्नो पड़े हुए हैं, तो आगे भी बहुत सारे स्नो मिलने वाले हैं ऐसी उम्मीद है अपने को। और ठंडी हवा चल रही है, हाथ पैर सब ठंडे हो रहे हैं, सुन्न हो रहे हैं, नज़ारे ही बदल चुके हैं यार। क्या बर्फ है बॉस, वहाँ से मस्त स्लाइड होते 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 एकदम नीचे आना। ओहो हो, अपने को वहीं जाना है, वहाँ से ट्रक आती हुई दिख रही है, मतलब अपने को भी वहीं जाना है। ओहो हो, इट्स गोना बी टफ। एंड यहाँ से रोड्स हो गए हैं ख़राब, मतलब आ गई है ऑफ रोडिंग, एकदम ताज़ी ताज़ी बर्फ है, कली बनी हुई है। ओहो हो भाई, बर्फ तो कुछ ज़्यादा ही है, ये देखो बर्फ यार। ऐसी उम्मीद है कि स्नोफॉल भी मिलेगी ऊपर थोड़ी बहुत, देखते हैं क्या होता है। ये रोड बन रहा है बेसिकली, तो जब बन जाएगा तो आप अगर आओगे तो काफ़ी इजी रहेगा आपके लिए। ओहो नज़ारे, ठंड, यहाँ बस दो ही चीज़ें हैं, नज़ारे, ठंड और बर्फ। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर और है, 20 या 15 किलोमीटर एग्जैक्ट बोर्ड मुझे पता नहीं चल रहा, और सर पे हल्का हल्का दर्द सा हो रहा है। हाई एल्टीट्यूड पे जब आप आते हो तो हल्का थोड़ा इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो होएगा आपको, तो वो इफेक्ट दिख रहा है अभी, थोड़ा थोड़ा सा हल्का सर पे लग रहा है, किसी ने दबा रखा है सर को, एक्चुअली प्रेशर बढ़ जाता ना, रोड की कंडीशन सही नहीं है बस, बाकी तो बस सब सही है, नज़ारे भी प्यारे हैं, गाड़ियाँ भी आ रही है। ओहो बर्फ़ देख रहे हो भाई, देख रहे हो मेरे भाई बर्फ। ओहो जन्नत कहाँ, जन्नत यहाँ, इससे बढ़िया नज़ारा कुछ हो नहीं सकता। लद्दाख आने के पूरे पैसे वसूल हो गए। ऐसे भाई आपको वहाँ भी देखा था मैंने, कहाँ पे ले आते हैं वहाँ पे आते ना कारगिल के रास्ते पे। हाँ हाँ, तो वहाँ से वो नदी बह रही थी ना, वहाँ से निकल के गए थे, मैं हेलमेट पहचान गया, हम लोग वीडियो लैप्स वगैरह ले रहे थे उधर, तो मैं ऐसे भाई गए उधर, तो फिर मेरे फ्रेंड ने कहा कारगिल मिल जाएंगे। मैंने पहचाना नहीं आपको, मैं सब्सक्राइबर। अच्छा 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 अच्छा, आप ओके आ गए? हाँ ओके आ गए। अच्छा तो गाइस देखो, खारदुंगला के रास्ते में हमें अपने फैमिली से एक बंदे मिल गए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत खतरनाक। हाँ कब गए थे आप? अभी बस जाके आ रहे हैं, उतर ही रहे, मेरे दो फ्रेंड तो उतर गए। अच्छा अच्छा, तो गाइस खारदुंगला के रास्ते से मैं उतर रहा था और फाइनली एस जे भाई को मैंने पकड़ ही लिया। तो इनको कारगिल के रास्ते पे देखा था, वहाँ तो मैं रोक नहीं पाया, आज एस जे भाई मिली गए अपन को। यार मैंने नाम तो पूछा ही नहीं, चलो खारदुंगला के रास्ते में भी अपने सब्सक्राइबर मिलते हैं भाई। एक बार ही आप नज़ारे देखो यार पहाड़ों के, लग रहा है वाइट चादर से ढक दिए गए हैं। आ गया क्या, आ गया क्या, आ गया क्या,
फाइनली वी डिड दिस। क्या है ये भाई? वी डिड दिस मैन, वी डिड दिस। माइटी खारदुंगला बी आर ओ वेलकम्स टू यू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यार पता है इतना खुश क्यों? क्योंकि देखो कितना बर्फ है और मैं अभी हूँ माइटी खारदुंगला पे। तो यार फाइनली आई डिड दिस। फाइनली देखो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, सारे लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, मैंने भी दो चार फोटोज क्लिक करी, बहुत लड़ झगड़ के। तो ये मैं आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये देखो आप, बी आर ओ वेलकम्स यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला फाइनली। अगर मैं अपने बैकग्राउंड दिखाता हूँ, ये पूरा बर्फ है और यहाँ पे बेस कैंप भी है अभी फिलहाल। क्या हाय, हाउ इज द एक्सपीरियंस? वेरी गुड, वेरी फाइन। यस्टरडे वी केम हियर बट वी वर सक्सेसफुल। वी कल बहुत सफर हो रहा था, कल रुक नहीं पाए यहाँ पे, लौटते हम लोग आए इधर। अच्छा अच्छा, यार बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, बहुत मजा आ रहा है। मतलब फाइनली 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 विद दिस। ले लो ना यार कोई, किसका कौन सा बाइक इसमें आ रहा है, बोलना चाहोगे? चल बस मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। वर्ल्ड की हाईएस्ट कैफे 18,380 फीट पे, चलो पीते हैं चाय। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट कैफे से हम पी रहे हैं चाय। Cheers to SJ Vlogs। तो यार अभी मैंने क्या किया, अंकित भाई का फ़ोन छुपा लिया है। अभी वो आएंगे और बोलेंगे SJ मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा। मैं बोलूँगा क्या 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 फ़ोन कहाँ नहीं है, वही तो है। हाँ देखा, मैंने बोला था यही ना रखा हुआ था। क्या बात कर रहे हो, अभी तो यही था। फोटोज मैं आपको दिखा रहा था। हाँ यार फोन से ज्यादा तो फोटोज इम्पोर्टेंट है यार। मेरे पास कब आ जाएगा यार, चेक कर लो यार। मैंने डायमॉक्स नहीं खाया था तो जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि सर मेरा थोड़ा सा दर्द कर रहा है हाई एल्टीट्यूड पे आने के कारण। तो आप आओ तो अगर ऐसा कुछ सीन है तो डायमॉक्स खा लेना। हाँ ये देख रहे हो बर्फ। तो यहाँ पे अभी भी क्लियरिंग प्रोसेस चल ही रहा है बर्फ का। जैसे मैंने आपको बताया कल पूरा बंद था खारदुंगला टॉप बर्फ के कारण। तो अभी फिलहाल देखता हूँ निकल पाते हैं कि नहीं। ओहो स्लिपरी है ये तो बॉस। यार ये बर्फ बहुत ज़्यादा स्लिपरी है तो जूते भी मेरे स्लिप कर रहे हैं। जूता नीचे मत रखना, स्लिप होगा। हट जा भाई। या निकल गई। तो यार देखो वहाँ से हम आ रहे थे और एकदम बर्फ के बीचों बीच आ रहे थे और यहाँ पे आके हमने अपना ड्रोन रख दिया। रेडी 1 2 3 गो। खुश हो गए। ओ हेलमेट, हाफ हेलमेट था ना, हाफ हेलमेट नहीं पहनना चाहिए ना। सो अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ही जा रहे थे एंड वी सॉ एक एक्सीडेंट हो रखा है।
बाइक स्किड हो गई थी मोस्टली, उधर से बंदे आ रहे थे इधर से जा रहे थे और चेहरे पे बहुत ज़्यादा ही चोट आई है, वो इसलिए क्योंकि हाफ फेस हेलमेट था, विच आई नेवर रिकमेंड हाफ फेस हेलमेट वो भी लॉन्ग राइड पे। तो मुझे लगा था यार कि पल्सर से एक्सीडेंट हुआ है, पर जो बाइक गिरी है वो है बुलेट। तो अभी पूरा स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो एक मतलब बाप बेटे दोनों आ रहे थे बाइक पे, पिताजी थे बुलेट पे, बेटा था आरसी पे। यार सीरियसली बताऊं तो आरसी वाला जब गया भी था मेरे सामने से, मैंने बोला हवाबाज, मतलब वो थोड़ा स्पीड में जा रहा था और अंकल भी काफ़ी स्पीड में निकल रहे थे। तो बुलेट के साथ क्या हुआ कि रोड पर पत्थर आ गई, पूरी की पूरी बाइक आउट ऑफ रोड चली गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो गिर गए। दो गलतियां मुझे नज़र आई, पहले तो ये कि हाफ फेस हेलमेट और दूसरी ये कि भगाना इतना तेज। चलो कोई बात नहीं, अंकल को ज़्यादा चोट नहीं लगी, बट सीख मिली कि डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, नहीं तो फटेगा पजामा। पहुंच चुके हैं खालासर, और जो आप नीचे देख रहे हो बेस कैंप, ये खालासर का बेस कैंप है और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू नूबरा एंड श्योक वैली। तो अभी हम लोग नूबरा एंटर कर रहे हैं। रोड्स यार काफ़ी प्यारे थे नूबरा के, एंड अभी मेरा सर थोड़ा सा दर्द कर रहा है तो मैं आगे चल के दवाई खाऊंगा पहले, उसके बाद फिर राइड कंटिन्यू करेंगे। आगे के व्यूज़ देखो यार, आगे जो ये रिवर है मैंने आज गूगल पे देखा था कि ये कौन सा है, तो ये बेसिकली नूबरा रिवर इसको कहते हैं। एंड आगे के व्यूज़ कितने प्यारे हैं बॉस, लैंडस्केप मतलब देख लो, पहाड़ है, रिवर है, प्लेन्स है, ट्रक है, बाइक है, आराम से भैया। तो यार काफ़ी प्यारी जगह है और रोड्स भी बहुत प्यारे हैं, हमारे आगे कुछ बाइकर्स भी चल रहे हैं। तो यार अभी हमने एक स्टॉप लिया है खालसर विलेज में, और यहाँ पे सबसे पहले मैं सेरिडॉन खाऊंगा, सर दर्द बहुत ज़्यादा ही कर रहा है, और इसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे बिस्किट के लिए और यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं। आप भी थे नहीं हो रहा, दो घंटे हो गए इनको सर दर्द हुए, दवाई भी खा ली फिर भी नहीं असर हो रहा। अभी खाई है दवाई यार, तुम्हारे सामने ही खाई है, कैमरा भी ऑन कर दिया। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं खालासर से, ये देखो आप कितने प्यारे व्यूज हैं, ओहो हो, दो तरफ से नदी, मतलब एक नदी ने रास्ता मोड़ दिया बेसिकली, पहले शायद इधर से जाती होगी अब उधर से जा रही है, और पूरा प्लेन है ये अभी। तो सही है, रोड सही है, यहाँ से हुंडर कुछ 29 बता रहा था जहाँ से हम निकले थे, और आगे सूरज देवता चमक रहे हैं। अभी जाएंगे बिस्किट खाएंगे वहाँ बिस्किट। तो यार बेसिकली कल क्या हुआ, कल हुंडर पहुंचने के बाद हमने एक टेंट ले लिया और टेंट में स्टे करने लगे, और देखो तो ये टेंट तीन लोगों के लिए, क्योंकि तीन बेड है काइंड ऑफ थिंग, इधर दो सामने जहाँ पे कैमरा रखा हुआ है वहाँ पे एक, और यार करीब चार रजाई के अंदर हम लोग सो रहे थे क्योंकि रात में इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही थी, मुझे एक पल को लगा कि ये टेंट ना उड़ जाए। अब इस टेंट की ना एक ही बेकार सी बात है एक्चुअली पूरे नूबरा की, कि यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, रात के 7 से 11 बजे तक लाइट रहती है, उसके बाद पूरे दिन पूरी रात लाइट नहीं रहती है, तो चार्जिंग करने में बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में गाइस इतना ही, आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं गाइस नए वीडियो में, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कुछ पूछना है तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं गाइस नए वीडियो में नए कंटेंट में, तब तक के लिए बाय। ड्रीम चेजर बाथरूम में है, बाथरूम अंदर है।
कुछ बोलना है? हेलो, थैंक यू थैंक यू, कुछ कुछ तो बोलो। नहीं बस हो गया। आवाज आ गई ना, बाथरूम का दरवाजा उधर है।